हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अफगानी शासक जिसने दिल्ली पर शासन किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। देखिए, जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की बुरी तरह पराजय हुई थी। इससे हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। तो इसने 1540 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन, इसके पिता का नाम क्या था? हसन। जो सासाराम के जमींदार थे, इसके पिता थे जो हसन, वह सासाराम के जमींदार थे। फरीद खां द्वारा शेर मानने के उपलक्ष पर मोहम्मद शाह लोहानी ने शेर खां की उपाधि रखी थी। फरीद खां द्वारा शेर मानने के उपलक्ष पर मोहम्मद शाह लोहानी ने शेर खां की उपाधि रखी थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी, हुमायूं को इसने हरा दिया था, है ना। और इसी युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और दूसरा युद्ध हुआ जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, वह कौन सा हुआ? बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, यह युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। और इस युद्ध के बाद हुमायूं अपनी गद्दी को छोड़कर चला गया था। देखिए, इसके बाद 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ, इसके बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब देखिए, शेरशाह या फिर कहें शेर खां, इसके द्वारा कुछ कार्य भी किए गए। शेर खां ने सड़क ए आजम, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा गया, इसकी नींव रखी। सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी नींव रखी थी शेरशाह ने। यह रोड सोनार गांव बांग्लादेश और पेशावर तक जोड़ती है। यह रोड सोनार गांव और पेशावर तक जोड़ती है। इसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण भी कराया।
इस नए दिल्ली में पुराने किले का निर्माण भी कराया। शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का, जिसे चांदी का एक चौकोर सिक्का जारी किया, जिसे रुपया का नाम दिया गया। इसने चांदी का चौकोर सिक्का जारी किया, चांदी का चौकोर सिक्का इसने जारी किया, जिसे रुपया नाम दिया गया, जिसे रुपया नाम दिया गया। और यह रुपया 1 रुपए 64 दाम का होता था, 1 रुपए 64 दाम, यह 1 रुपए 64 दाम का होता। अब देखिए, शेरशाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी थे। समकालीन कवि, मलिक शेरशाह सूरी के समकालीन कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावत महाकाव्य है, जिनकी रचना पद्मावत है, जो कि एक महाकाव्य है। शेरशाह ने किला ए मोहना, शेरशाह ने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली में। शेरशाह ने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था, कहां? दिल्ली में। शेरशाह ने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। देखिए, शेरशाह ने भूमि को मापने के लिए 32 इंच वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह ने एक नगर बसाया रोहतागढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज स्थान पर। शेरशूर नामक शहर, शेरशूर शहर बसाया था कहां? दुर्ग एवं कन्नौज स्थान में, है ना। शेरशाह के शासन का, शेरशाह के समय, देखिए, शेरशाह के द्वारा कार्य किए गए, देखिए, इसने सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, सोना जो सोनार गांव और पेशावर तक को, पेशावर को जोड़ती है। इसने पुराने किले का निर्माण कराया दिल्ली में और चांदी का चौकोर सिक्का जारी किया, जिसे रुपया का नाम दिया गया, और यह सिक्का 1 रुपए 64 दाम का होता था। समकालीन कवि, अब देखिए, शेरशाह के शासन, शेरशाह के समकालीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावत है, जो कि एक महाकाव्य है, और इसने किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। भूमि मापने के लिए इसने 32 इंच सिकंदरी गज का प्रयोग किया और इसने शेरशूर नामक शहर बसाया। इसने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की इसने शुरुआत की थी। 1540 में इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से इसने पुनः स्थापित किया। डाक प्रथा का प्रचलन भी इसी के द्वारा किया गया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। अब देखिए, शेरशाह सूरी के दरबार में प्रमुख इतिहासकार,
दरबारी इतिहासकार अब्बास खान सरवानी शेरशाह के दरबार में एक इतिहासकार अब्बास खान सरवानी रहते थे, जिनकी रचना है, जिनकी जिन्होंने तारीख ए शेरशाही की रचना की, तारीख ए शेरशाही की रचना की, जिसमें शेरशाह सूरी का इतिहास कहा गया है। देखिए अब्बास खान सरवानी जो शेरशाह सूरी के दरबारी इतिहासकार थे, इन्होंने तारीख ए शेरशाही की रचना की जिसमें शेरशाह सूरी का इतिहास कहा गया है। यह एक न्यायप्रिय राजा था। शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय राजा था। अब देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में हो गई थी। इसका कब 22 मई 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका मकबरा सासाराम विहार में एक झील के बीच में स्थित है। सासाराम जो कि बिहार में है और एक झील के बीच में इसका मकबरा स्थित है। जब इसकी मृत्यु हुई तो उक्का नाम का अग्नि शास्त्र चल रहा था। शेरशाह का उत्तराधिकारी, अब देखिए शेरशाह के बाद जो अगला उत्तराधिकारी हुआ, शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी हुआ। इस्लाम शाह सूरी हुआ, इसने 1545 से लेकर 1554 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इस्लाम शाह सूरी। इसने 1545 से लेकर 1554 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली पर। इसके बाद फिरोज शाह, इस्लाम शाह सूरी के बाद अगला शासक कौन हुआ? फिरोज शाह। इसने 1554 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और 1554 ईस्वी में ही इसका शासन समाप्त हो गया था। इसके बाद अगला शासक हुआ मोहम्मद आदिल शाह जो इस्लाम शाह सूरी का भाई था, यह अगला शासक हुआ। इसने 1554 से लेकर 1555 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसका वास्तविक नाम मुबारक खान था। आदिल शाह का वास्तविक नाम क्या था? मुबारक खान था। और इसके शासनकाल में हिंदू मंत्री हेमू था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। देखिए इसे अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। इसे अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। और देखिए 1555 ईस्वी में शरहिंद का युद्ध हुआ। यह युद्ध मुगलों और अफगानों के बीच में हुआ। मुगलों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खान ने किया।
और इस युद्ध में मुगलों ने अफगानों को हरा दिया था। देखिए 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके बीच में हुआ? अफगानों और मुगलों के बीच में हुआ। और मुगलों का नेतृत्व इस युद्ध में किसने किया? बैरम खान ने किया। और मुगलों ने अफगानों को हरा दिया था और इस युद्ध को सरहिंद का युद्ध कहा गया। सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद फिर शेरशाह सूरी ने शासन किया उसके बाद उसके पुत्र ने शासन किया और उसके बाद उसके दूसरे पुत्र ने शासन किया। और देखिए जब सरहिंद का युद्ध हुआ तो यह युद्ध मुगलों ने जीत लिया था, तो 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर शासन किया। ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है जो हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार लैनपुल ने लिखा है कि यह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही यह मर गया। हुमायूं की जो बहन थी, मैं आपको कल की वीडियो में नहीं बता पाई हूँ, हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी जो कि हुमायूं की जीवनी, जिसमें हुमायूं की जीवनी है, जो हुमायूं की जीवनी है हुमायूं नामा, इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। आज की वीडियो में हमने शेरशाह सूरी अफगानी शासक था उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।